मेजर ध्यानचंद सोसाइटी कंडाघाट द्वारा मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र श्री अशोक कुमार ध्यानचंद का कंडाघाट में भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ हॉकी के पूर्व कप्तान अजीत पाल सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद को विश्व में हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। चलिए दिखाते हैं उनके सुपुत्र व अजीत सिंह क्या बोले। क्या बताऊं उसको, रणधीर जी साहब, शेर सिंह जी, मैं समझता था कि मेरा आना एक फौरी तौर पर होगा कि मैं आके ठहर के कहीं देख दाख के चला जाऊंगा, लेकिन जो प्यार मोहब्बत और आप लोगों ने और ख़ासतौर से हॉकी के बारे में इतने खिलाड़ी सामने पेश हुए हैं, 40 साल की हमारी, 50 साल की हमारी बहनें जो हैं, 60 प्लस की बहनें, ये तो मैंने पहली बार ऐसी चीज़ देखी है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात हो जाती है जो आप लोगों ने करा है। और ये बच्चों, आप लोग इसके बाद इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हॉकी हमारे देश का बहुत पुराना खेल है, हमारा एक ऐसा खेल जिसमें हमने ओलंपिक्स में झंडे गाड़ के रखे हैं। इसको संभालना आपका काम है, लगन से खेलो और जो भी खेलो ये समझो कि मैंने कुछ सीखना है। मैं आज तक सीखता हूँ हॉकी से और मैं चाहता हूँ कि इस सोलन की धरती से, हिमाचल की धरती से, शिमला की धरती से हमारे बेहतर खिलाड़ी निकले और देश का प्रतिनिधित्व करें और वो मेडल्स लाएं जो ध्यानचंद साहब, रूप सिंह साहब, बलबीर सिंह जी, उधम सिंह साहब, महेंद्र लाल साहब, इन खिलाड़ी, अनगिनत खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया इस देश के प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये सम्मान जो आपने मुझे दिया, अभिभूत हूँ मैं। वाकई में मैं नहीं सोच सकता था कि ऐसा सम्मान हमको मिलेगा। आपने अपना प्यार मोहब्बत जो निशावर किया हम खिलाड़ियों पर और दिखाया है, और इसको देखकर डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक चीज़ उत्पन्न होती, पैदा होती कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर करें, देश के लिए बेहतर करें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे इस सम्मान के लिए आपने जो कुछ याद पेश किया ये मेरी सोच के परे था, वाकई में मैं सोच नहीं सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया ध्यानचंद जी, हमारे देश के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने देश में खेल की क्रांति उत्पन्न करी 28 से। अगर वो हॉकी नहीं खेले होते तो आज शायद हम लोग हॉकी खिलाड़ी नहीं होते। आज हॉकी यहाँ शिमला में भी नहीं खेली जाती, हिमाचल में नहीं खेली जाती। उन्होंने वो झंडे गाड़े जिसकी बदौलत हम लोग आज भी हॉकी खेल रहे हैं और सिरमौर बने हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आने वाले ओलंपिक में हमारी टीम जो अभी जूझ रही है मेडल्स पाने के लिए वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और आने वाले ओलंपिक में हमारी टीम कहीं ना कहीं पोडियम के ऊपर खड़ी हो, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी शुभकामनाएं टीम को कि वो पोडियम पर आए, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर। धन्यवाद सर। भाई का, अशोक कुमार का फोन आया, यार अपना सोलन चलना है। मैंने पूछा काहे के लिए चलना है, कैसे चलना है, क्योंकि हमारी जो मोटिवेशन है ये भी मोहन बगाल से खेलते हैं, मोहन बगाल से ओलंपिक टीम में आए थे, ये राजस्थान होते थे, मैं लेफ्टिनेंट हूं। ये तो देख के एक बहुत हैरानी वाली बात देख रहे हैं हम, यार इतना ऑनर इतना तो कभी सोचा ही नहीं था कि हॉकी वालों को भी इतना ऑनर मिलेगा। हम तो बोलते क्रिकेट वालों को मिलता होता, तो मैं देख रहा हूँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो मेरा ख्याल ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।